डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न किए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक के, चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो अभ्यास का जो कौन सा चैप्टर, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। और इसके जो पीछे वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी का पीछे वाला जो क्वेश्चंस रहता है, जो अभ्यास के तौर पे लिखा हुआ रहता है, उस अभ्यास वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने 9 नंबर तक के क्वेश्चंस को पढ़ा था। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को लिखा जाए, हम बोल रहे हैं जिसके पास किताब नहीं है वो लोग लिखेंगे, जिसके पास बुक है अच्छी बात है, वो लोग बुक से ही क्वेश्चन लिख लेंगे। लिखा गया क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है पूर्णविराम, प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कॉमा साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मिटाने वाला किधर गया, यहां है। चलिए इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है कि जो वस्तु है जिसको हम लोग बिंब बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिंब और प्रतिबिंब में अंतर है। बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है उसका इमेज, यानी कि उसका कहां बन रहा होता है किसी भी वस्तु का इमेज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सवाल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर का एक लंबा वस्तु है, लंबी वस्तु है, तो जब भी लंबी बोलता है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऊंचाई हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि वस्तु मतलब कि एक मार्कर है और इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो जब हम वस्तु को ऐसे रखेंगे तब एक तरीके का वस्तु का ऊंचाई भी तो हुआ, यानी कि जो लंबाई दिया है वो वस्तु का ऊंचाई दिया है, जिसको h से सूचित करते हैं। तो आप यहां पे लिखिएगा दिया है, क्या दिया है भाई, तो वस्तु की लंबाई, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं इसी को, ठीक है, ऊंचाई या फिर इसी को बोलते हैं h का वैल्यू कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला कि जो इसका क्या बोला, सवाल एक बार देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी,
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो सबसे पहला फोकस दूरी को तो एफ सूचित करते हैं, अब इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, तो प्लस की माइनस। तो जरा हम लोग एक यहां पे नोटिफिकेशन आपको बता देते हैं, हालांकि एक चीज पहले ही बता चुके हैं आपको कि उत्तल लेंस में जो है सिर्फ यू जो है माइनस में रहता है, ठीक है, माइनस वैल्यू में होता है, मैंने वैल्यू वी एल यू का शॉर्ट फॉर्म भी लिखा जाता है, और बाकी जो होता है यू को छोड़कर बाकी जितना भी चीजें होती है वो किस में होती है, प्लस में। लेकिन अगर अवतल रहता है, इस बात को बिल्कुल समझ जाइए, अवतल जब रहता है तो सब चीज जो है ना सब टोटल माइनस में होता है, यानी इसमें सब बोल रहे का मतलब यू भी एफ फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी सब माइनस होगा। कब? जब अवतल होगा। उत्तल होगा तो पॉजिटिव, यू को छोड़कर बाकी पॉजिटिव होता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। अब देखिए, अब हम आपको एक और चीज बताए हैं कि उत्तल को अभिसारी भी कहते हैं, अभिसारी, और वही चीज आ भी गया आज। अभिसारी अगर हम लोग नहीं सीखते तो पता नहीं चलता कि वो उत्तल होता है कि अवतल होता है। तो अभिसारी का मतलब क्या, उत्तल लेंस, तो अभिसारी बोला गया, तो इसलिए हमको क्या समझना है कि यह उत्तल लेंस है। तो यहां पे लिखेगा अभिसारी लेंस, ऊपर में लिख देंगे कि कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस या फिर उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहां से उत्तल लेंस में हम क्या सीखे कि यू खाली माइनस में होता है, बाकी चीज यू को छोड़कर प्लस में होता है, तो फोकस दूरी भी कुछ ही होगा प्लस में 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहे हैं, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि वस्तु को कितना दूर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी को तो यू से सूचित करते हैं ना, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि बिंब को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो यू का वैल्यू हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, चाहे वो अवतल रहे चाहे उत्तल रहे। तो ये बात बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए कहीं भी जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू का वैल्यू -25 हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है आप सवाल कि किरण आरेख द्वारा भी दर्शाना है, खींचकर बताना है कि प्रतिबिंब का स्थिति साइज प्रकृति क्या होगा, यानी कि किरण आरेख तो हम लोग खींचेंगे। फिलहाल यहां से हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है भी, और भी निकालने के बाद वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब का साइज बताना है। तो प्रतिबिंब का साइज का मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई एच डैश निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लेंस सूत्र लगाइएगा। अब आप कैसे पता चलेगा कि सर लेंस सूत्र लगाएंगे कि दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो यहां पे सवाल कोची का बात किया, लेंस का बात किया, तो हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे। और लेंस सूत्र में क्या जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो आप पाएंगे कि 1/v के जगह पे रखिएगा कितना, 1/v के जगह पे 1/v ही छोड़ दीजिएगा, माइनस और u कितना, -25। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, +25 हो जाएगा, बराबर कितना, 1/f। तो f कितना है, 1/10, ठीक है। यानी सबका मान जो है रख देना है, रखने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है, और किसका मान यहां से निकाल लेना है, तो यहां से भी का मान निकाल लेना है। और भी का मान अगर आपको हम हिंट्स कर दे तो टोटल कितना आएगा, तो वी का जो वैल्यू है वो 16.67 आएगा, वी का वैल्यू 16.67 आएगा। इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से बनाइएगा, सॉल्यूशन करना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25, और +1/25 को उधर ले जाइएगा तो -1/25। तो इस तरीके से आप वी का वैल्यू निकालिएगा, वी का वैल्यू कितना आएगा, 16.67, ठीक है। हम आपको यहाँ पे अधूरा चीजें छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको खुद से वैल्यू निकालना है वी का मान इससे चलकर, और आप राइट आंसर लाएंगे कितना आना चाहिए वी का वैल्यू, 16.67।
अब जब भी का वैल्यू हो गया उसके बाद अब लिखिएगा पुनः, पुनः हम लोग जानते हैं पुनः क्या जानते हैं भाई कि आवर्धन पढ़े ना लेंस का आवर्धन जिसको एम से सूचित करते हैं क्या होता है तो दर्पण के लिए होता है माइनस भी बटा यू, लेकिन यहां तो लेंस है ना तो यहां क्या चलने वाला है भी बाई यू। और आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई मतलब एच डैस और वस्तु का ऊंचाई, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं एच डैस बटा एच, किसके जगह पे तो आवर्धन के जगह पे, क्योंकि आवर्धन जो है दो फॉर्मूला होता है आवर्धन का, एक भी बायु किसके लिए लेंस के लिए, और अगर दर्पण होता तब माइनस भी बायु रखते ठीक है, तो यहां हो जाएगा भी बायु। और एक और फार्मूला होता है एम का ही कि प्रतिबिंब का ऊंचाई मतलब एच डैस बटा वस्तु का ऊंचाई, तो वस्तु का ऊंचाई एच हो गया। क्यों हम ऐसा लगा रहे हैं क्योंकि एच डैस का वैल्यू निकालना है, एच डैस का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे आप भी के जगह पे रखिएगा 16.67 और बटा यू, यू के जगह पे कितना रखिएगा तो -25। और जब इसको क्रॉस मतलब अच्छा एक और चीज एच डैस तो निकालना ना भाई, तो एच डैस को तो एच डैस छोड़ देंगे, और एच का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई या फिर लंबाई, कितना दिया है हमें सवाल में 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर रख दीजिएगा कितना 5 बराबर 16.67 बटा -25 ठीक है। तो यहां पे आप करिएगा क्या, इससे चलते 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 आप एच डैस का मान निकाल लीजिएगा। अब एच डैस कैसे निकलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हम लोग सीखे है ना जब बराबर के दोनों साइड अगर बट्टा में रहता है तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, तो -25 गुना एच डैस, तो -25 एच डैस और इसको इसको गुना कीजिएगा फिर डिवाइड कर दीजिएगा, तो एच डैस का वैल्यू जो निकल कर आएगा आपको चेक करने के लिए बता रहे हैं माइनस में 3.3 सेंटीमीटर आएगा ठीक है। आप निकालिएगा तो कितना निकलना चाहिए माइनस में 3.3 ठीक है, आपको खुद से निकालना है ये चीजें, हम बसरते सिर्फ डायरेक्ट राइट आंसर बता रहे हैं कि आप इससे एच डैस निकालिएगा तो कितना आएगा -3.3 सेंटीमीटर। अब ये बात समझिए कि -3.3 सेंटीमीटर कभी किसी प्रतिबिंब का तो ऊंचाई होता नहीं है, ऊंचाई जब कभी भी होगा तो 2 होगा 3 होगा, माइनस में तो ऊंचाई नहीं होता, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो माइनस वैल्यू है ये क्या बता रहा है। तो हम लोग जो किरण आरेख खींचते हैं ना लेंस को लेकर, उसमें एक मुख्य अक्ष होता है और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी से पढ़ा है, तो ये माइनस ये बता रहा है कि मुख्य अक्ष के कहां बनेगा नीचे बनेगा ठीक है। जरा दिखाते हैं कि क्या क्या बन रहा होता है। अब ये चीज निकालने के बाद अब हम किरण आरेख खींचने वाले हैं, क्योंकि सवाल बोला भी था कि आप किरण आरेख खींचो ठीक है, तो कौन सा लेंस है ये अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस, तो एक उत्तल लेंस बना दिया। जरा और साइड करते हैं, इन चीजों को तो आप नोट कर लिए होंगे ना, याद रखिएगा इसलिए इसको मिटा देते हैं ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक उत्तल लेंस है जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जब इसके इस लेंस से एक सेंटर से होते हुए एक जब लाइन क्रॉस आउट होता है इट मीन्स ऐसे, तो बीच में एक सेंटर होता है जिसको ओ बोलते हैं और इसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है ठीक है। अब जो लाइन पास आउट होता है वही तो कहलाता है हम लोगों का लेंस का ये क्या बन गया मुख्य अक्ष बन गया ठीक है मुख्य अक्ष। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी लेंस हो इट मीन्स कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो उसका 2 ठो वक्रता केंद्र होता है और 2 ठो फोकस होता है, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया C2 ठीक है। इस बार हम लोग क्या जैसे जैसे सवाल बोला वैसे ही काम करना, सवाल क्या बोल रहा था सवाल ये बोल रहा था कि आप वस्तु को रखो 5 सेंटीमीटर लंबा, तो एक AB एक वस्तु है
जिसका लंबाई कितना यूज करना है हमें 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए, क्योंकि सवाल बोल रहा है ना कि किरण आरेख द्वारा दिखाना है, तो एबी जो है 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि जहां पे वस्तु रहता है वो प्रकाशिक केंद्र से नहीं सभी दूरियां मापते हैं, तो वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है जिसका फोकस कितना है, तो जिसका फोकस दूरी हमें सवाल में दिया 10 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी तो यहां से लेकर यहां तक है, तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर दिखाइए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर वस्तु रखा हुआ होता है किसी लेंस के सामने, तो उससे दो प्रकार की किरणें निकलती है। एक कौन सी किरणें, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। तो मुख्य अक्ष तो ये है और समानांतर का मतलब दोनों पैरेलल। तो अगर इस यानी कि कोई भी वस्तु रहेगा, चाहे ए बी सी डी डी कोई भी वस्तु होगा, इससे कितने किरण निकलती है, 2 किरणें। हम लोग ये सब जानते हैं। और इस मुख्य अक्ष के अगर कोई समानांतर किरणें यानी कि पैरेलल किरणें अगर इससे निकलती है, तो लेंस से टकराने के बाद वो कहां से जाकर मुड़ती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने पढ़ा पहले। कोई भी समानांतर किरणें अगर कट आउट होंगी तो कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। फिर हम लोग जानते हैं कि इससे जो दूसरा किरण निकलती है वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए क्रॉस आउट होती है, और जहां पे यानी कि इसका जो दूसरा रूल्स हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रकाशिक केंद्र से यानी कि सेंटर से कोई भी अगर किरण पार होगी तो कभी मुड़ती नहीं है, वो अपने सीधा ही रास्ते में चली जाती है। ठीक है, तो जब इसको गुजारा गया प्रकाशिक केंद्र से तो सीधा पार हो गया। अब देख पा रहे होंगे कि दोनों किरणें जहां पे लड़ती है, कट करती है एक दूसरे को, वहीं पे हम लोगों का इस एबी वस्तु का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक प्रतिबिंब बन रहा है जिसको ए डैश बी डैश बोला जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष से कहां बन रहा है प्रतिबिंब, नीचे बन रहा है, इसीलिए हम लोगों का जो एच डैश का एच डैश ना प्रतिबिंब का ऊंचाई वो माइनस में आया था। माइनस का मतलब क्या कि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा होता है, और इसका जो लंबाई है वो कितना बन रहा है 3.3 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी प्रतिबिंब दूरी है ये कितना दूरी पर बन रहा है 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब यहां से आपको क्या पता चला, चूंकि भी का मान प्लस आया है, यानी कि हम ये भी बता चुके हैं कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे साइड बनता है तब वो ये आभासी और सीधा बनेगा। और दूसरा बात कि अगर आभासी और सीधा, और हम देख पा रहे होंगे कि वस्तु मेरा 5 सेंटीमीटर है और यहां प्रतिबिंब बन रहा है 3.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो वस्तु है उससे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो उसके नीचे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब आभासी कौमा सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इस किरण आरेख को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि सवाल में ही खुद बोला हुआ है कि आप किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, तो इसके बनाने के बाद ही लिखना है अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो ये सवाल क्लियर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का
कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। पूर्ण विराम, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? क्वेश्चन मार्क, किरण आरेख खींचिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। हमें क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा और फिर हमें अप्लाई करना होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन और उसे हमें कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे ट्रीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सी लेंस है भाई? तो यहां पे लिखा है अवतल लेंस है, और अभी हम लोग सीखे और उस चीज को नोट भी किए हैं होंगे आप लोग कि अगर कोई भी अवतल लेंस होता है तो सभी चीजें माइनस में होती है। इट मींस यू का वैल्यू, वी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, यानी कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी किसमें होता है? माइनस में होता है। तो 11 वाला में लिया है, लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया है भाई? तो ये तो दे दिया कि हमें कौन सा लेंस है, अवतल लेंस दिया है। तो जब हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में जितनी भी चीजें होती है वो किस में होती है? माइनस में होती है। तो सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इतना पढ़ो सवाल को। तो फोकस दूरी का मतलब एफ, और एफ का वैल्यू कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस है। फिर क्या बोला जा रहा है, किसी बिंब या प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। अब देखिए, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब का मतलब क्या? बिंब माने वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी प्रतिबिंब दूरी दे दिया कितना? -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों भाई? अवतल लेंस है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? बिंब माने वस्तु, लेंस से कितना दूरी पर होगा? तो अब आपको क्या करना है, इसमें यूज का मान निकाल लेना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर से हमें क्या बोला है, लेंस बोला है ना, तो लेंस बोला है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र यूज करेंगे। तो चूंकि दो ही चीज तो होता है, दर्पण सूत्र पता है और लेंस सूत्र पता है, यही ना, तो लेंस सूत्र इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लेंस है। तो आप क्या कीजिएगा, लेंस सूत्र से चलिएगा। लेंस सूत्र का फार्मूला हम बताए हुए हैं, याद करने का ट्रिक आउट भी है, बस एक ही अंतर है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है। 1/v माइनस 1/u 1/f करिएगा, क्या सबका मान रखिएगा, भी का वैल्यू -10 तो -10, माइनस यू का वैल्यू छोड़ दीजिएगा, निकालना है। अब यहां पे 1/f तो f का वैल्यू कितना? -15। तो इसको आप खुद से सॉल्यूशन करके किसका मान निकालिएगा, वस्तु दूरी का, ठीक है। तो वस्तु दूरी का जो वैल्यू आएगा, हम आपको बता देते हैं, u का मान आएगा -30 सेंटीमीटर, राइट, बात को समझिए, कितना आएगा? -30। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंस से हम लोग बाई तरफ वस्तु को रखे हैं, क्योंकि बाई तरफ की दूरियां माइनस हो जाता है, तो ये माइनस से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। हालांकि जो आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यू का वैल्यू कितना आएगा? -30 आएगा, ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं।
चलिए तो हम आप जो है खुद से सॉल्यूशन करते आइएगा, इतना आना चाहिए। अब यू का तो वैल्यू हो गया, तो हम लिखेंगे कि अतः बिंब लेंस से कितना दूरी पर है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये लिख देंगे। अब ये माइनस का मतलब हुआ कि ये बाई ओर रखा गया है, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन इसमें भी क्या बोल रहा है भाई, कि इसमें भी किरण आरेख खींचो, क्योंकि सवाल में तो बोला, तो चलिए किरण आरेख खींचते हैं। तो इसका किरण आरेख में कौन कौन सा बातें नजर आना चाहिए, तो इतना लिखने के बाद अब आपको किरण आरेख इस क्वेश्चन के लिए आपको करना होगा। तो किरण आरेख में हम लोग ये सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा लेंस है, उत्तल है कि अवतल है। तो पता चला हमें कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस बनाएंगे। ये देखिए अवतल लेंस हो गया, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डेफिनेशन भी हम लोग किए हैं कि जिसका वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो, किनारे का भाग मोटा हो, उसको अवतल लेंस कहा जाता है। ये एक अवतल लेंस है, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं एक सेंटर से पास करता है, इसको ओ कहते हैं। बहुत दिन से हम लोग ये सब बखते आ रहे हैं, तो अब इन चीजों को डायरेक्टली फटाफट काम किया जाए। यहां F1 होगा, यहां F2 होगा, C2 होगा, ठीक है। अब यहां पे बोल क्या रहा है कि वस्तु कहां पे है हम लोग का, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मान लीजिए, हालांकि उसके पहले सवाल में क्या बोला, सवाल में हम लोगों को ये बोल रखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि यहां से यहां तक इसका दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, बिंब का जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 15 जब फोकस है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोगों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है। तो 10 सेंटीमीटर मान लिया यहां हो सकता है, ठीक है। और टोटल 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु कहां है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ना, यानी कि हम लोगों का जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर, देखिए अपने से सब बनाना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखते हैं जिसका नाम क्या है, एक बिंब। अब जैसा कि जानते हैं अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरणें जाती है तो किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर, हमेशा। तो फोकस से होकर गुजार दिया, सॉरी यहां पे तो इधर नहीं ना मुड़ेगा क्योंकि उत्तल लेंस तो नहीं ना है, ये गलती हुआ। यहाँ पे हम लोगों का ये जो मुड़ेगा ये अपसारी लेंस है ना, तो ये तो प्रकाश किरणों को फैला देगा, तो इधर नहीं मुड़ेगा, आगे की ओर जाएगा। तो आगे की ओर जाएगा, इतने चीज को पीछे की ओर मिलाया जाए तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। और जब इसको अगर सेंटर से पास किया जाए ऐसे, तो क्या होगा, ये तो अपने ही अक्ष पे ये सीधा निकल जाएगा, क्योंकि ये जब भी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो कोई किरणें इधर उधर मुड़ती नहीं है, वो अपने रास्ते से निकल जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां जो कटा यही आपका क्या बन गया, इमेज बन गया a'b'। और ये कितना दूरी पर इमेज बना, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोगों को यही आरेख दिखाना था कि आप आरेख दिखाइए कि जो हम लोगों का AB वस्तु है वो कहां कहां रखा हुआ है। तो सब इस फिगर में दिखा दिया गया है, ये अवतल लेंस है, इस लेंस का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे है, और वस्तु कहां रखा गया, 30 सेंटीमीटर पे रखा। तो इन चीजों को हम लोग को ग्राफ में, सॉरी डायग्राम यानी कि किरण आरेख खींचना था, किरण आरेख खींच दिया।
तो फिर अगले क्वेश्चन कुछ भी इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो चूंकि ये क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आरेख वगैरह बनाना है, समझकर चलना है, तो हम लोगों को ज्यादा टाइम लग जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक से दो क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।